Hey guys, myself Abhishek Mishra and I'm CEO of Dada Saheb Phalke International Film Festival and advisory panel member of CBFC into Ministry of INB, Government of India. तो जब आप सुनते हैं सेंसर बोर्ड तो आपको तो यही लगता होगा कि इनका काम है सीन्स काटना, अच्छी सीन्स को हटाना मूवी से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. Our work is to classify the content into right category so that it reaches to the right audience. This is not my topic for today. Let me throw a question to you. What do you think? What is the biggest asset you have in your life? Sir, friends, you think it's a car, it's a bike, it's a luxury home, luxury lifestyle? No. Let me give you an example. यहाँ पे दो लोग हैं, एक जिनके पास कुछ भी नहीं है और एक जिनके पास सब कुछ है लाइफ, लेकिन दोनों एक ही कंडीशन पे है. दोनों के पास स्ट्रेस है, दोनों के पास टेंशन है और ये चीज़ है कि कल मुझे और चाहिए, और चाहिए, कुछ और पाना है. They are not happy from inside. They are not satisfied. So the topic today I have is mindset. Mindset is the asset you have in your life. It is the biggest asset you have in your life. अच्छा तो आप सोचेंगे अब ये भाई माइंडसेट कहाँ मिलेगा, ये कौन सी दुकान से खरीदते हैं, ये कैसे हासिल होगा? तो ये है एक बिल्डिंग की तरह जिसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और नर्चर करना पड़ेगा इन आर डे टू डे लाइफ, जो कि बनता है पिलर से. अब वो पिलर हो सकती है बी योर सेल्फ. नाउ बी योर सेल्फ, किसी को चेज मत करो, डोंट कॉपी एनीवन. लोगों को लगता है मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वो खुद की लाइफ भूल जाते हैं. ये चीज को एलिमिनेट करो एंड बी योर सेल्फ, जस्ट बी वॉट यू आर. फोकस ऑन योर वर्क, बी कंसिस्टेंट. और उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत जरूरी है सबके लाइफ में. अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपके प्रोडक्ट को सेल करा सकती है. और कॉन्फिडेंस ऐसा तो है नहीं कि हम जिस दिन बॉर्न होते उसी दिन हमें मिल जाती है. इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है और आपको हार्डवर्क करना पड़ता है ताकि ये दिन पर दिन बढ़े. फिर आता है बैलेंस इन लाइफ. बैलेंस इन लाइफ मतलब आप जहाँ भी काम करते, जो भी काम करते हैं, इट्स ओके, बट उसके अलावा आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, आपको अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है, आपके साथ जो लोग हैं उनको टाइम देना पड़ता है, इसके अलावा आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम फॉर योर सेल्फ. देन कम्स पैशन. आप जो भी करें दिल से करें, पैशन को फॉलो करें. अगर आपका पैशन है आपका वर्क, देन इट इज नॉट अ वर्क, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर सेल्फ, योर ड्रीम. और वो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो. एंड फर्दर इट इज ग्रेटिट्यूड. आपके लाइफ में जितने लोग हैं, नो मैटर हु इट इज, हु दे आर, वेदर दे आर योर ड्राइवर, वेदर दे आर योर कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बी थैंकफुल टू देम. नो मैटर दे आर सपोर्टिंग, दे आर हेल्पिंग यू और नॉट, in what way they are giving you strength, just be thankful to them. Then comes brand yourself. As a person, as a human being, brand yourself to the others. If you have confidence in yourself, you can definitely achieve whatever you wish in life. मैं एक अपनी story बताता हूँ. मैं जिस field में हूँ, जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम है travel करना. और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है. इसकी खासियत ये है कि मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मैं उनकी एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ, उनकी लाइफ जर्नी सुनता हूँ, समझता हूँ वो कैसे काम करते हैं, वो चीज़ मैं देखता हूँ. और मीटिंग के बाद, उनसे मिलने के बाद, वापस जाने के बाद मैं एक चीज़ करता हूँ, उनके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको डिफाइन करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में ट्राई करता हूँ कि उसको मैं ऑब्जर्व कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको. इसके बाद आता है मेरे लाइफ में ही कि अगर मैं कहीं काम से ट्रेवल कर रहा हूँ तो वो काम होने के तुरंत बाद
मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि मैं एक अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मेरी पैशन है कि मैं ट्रेवल करूँ, नए लोगों से मिलूँ, नई प्लेसेस एक्सप्लोर करूँ, तो वो चीज़ के लिए मैं 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ। इससे ये होता है कि मेरा काम भी हो जाता है और मेरे को एक रेजुवनेट लाइफ मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है लाइफ को रिवाइव करने के लिए, और इसमें बहुत मजा आता है। इसके अलावा लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जिन चीजों से आप सीख सकते हैं, आप देखिए वो क्या चीजें, आइडेंटिफाई कीजिए और ट्राई कीजिए वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए मैं यही बोलूंगा, पुश योर सेल्फ अ लिटिल हार्डर। इट्स बीन मोर देन अ ईयर सिंस वी वर एट होम ड्यू टू दिस पैंडेमिक, नाउ वी ऑल हैव गैदर्ड हियर। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, नीदर आई एम अ स्पीकर, आई एम जस्ट अ गुड लिसनर। I was there in the audience. I was listening to all the speakers here. And one thing I got to learn is just learn from their experiences, what they are saying. And develop one thing in yourself, that is art of elimination. It will help you to identify and eliminate the negative thing, the things which are not necessary. अब जरूरी नहीं है कि कोई कुछ बातें बोल रहे हैं, कोई चीज़ें बता रहे हैं तो उसमें पूरी 100% वो चीज़ सही हो। उसमें ये भी हो सकता है कि 90% इज नॉट, दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाई यू, तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट करो। जो 10% जरूरी है अपने लाइफ में उसको आप ऑब्जर्व करो और उस पर काम करो। इसके बाद आता है प्रायोरिटी। लाइफ में काम करते करते सब लोग बिजी हो जाते हैं, वो भूल जाते बहुत सारी चीज़ें, और जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हुम यू हैव टू गिव द मोस्ट प्रायोरिटी इन लाइफ, वेदर दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर कलीग्स, दे आर योर फैमिली, दे आर योर चिल्ड्रंस, एंड दिस विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज आई सेड, माइंडसेट इज योर बिगेस्ट एसेट इन लाइफ। No matter where you are today, no matter what you are doing, definitely you want to achieve something in life. You are chasing for it. अब वो चीज आज मिले, कल मिले, मिले जब मिले, अब बस एक चीज ध्यान रखना, it is all here. अगर mindset strong है तो no matter how hard you fall, you will definitely rise up. I'll not take much of your time. Thank you so much, guys.